हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन संगीता की किचन। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, तो रक्षाबंधन पर मैंने सोचा क्यों ना मिठाई घर पर ही बनाई जाए और आपको भी बताया जाए कि एकदम इजी वे में, बिल्कुल घर के सामान से ये मिठाई बनाई है मैंने बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ले लिया मलाई। तो ये मिठाई मैंने बनाई है सिर्फ मलाई से। मलाई इसमें हम यूज़ करेंगे और इससे घी भी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मलाई ले ली है, जितनी भी आपके पास मलाई हो आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी मलाई यूज़ की यहाँ पर, तो उसे मेल्ट कर लिया है, कढ़ाई में डालकर देखिए पका लिया है। और पकाने के बाद इससे मैंने घी निकाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए, घी और हमारा मावा अलग हो गया है। तो ये जो निकला है इसको हम अलग कर लेंगे, घी को अलग कर लेंगे। तो मावा को, इसी मावा को यूज़ करते हुए आज हम बनाएंगे ये टेस्टी सी मिठाई। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए, अब मूंग की दाल ली है मैंने। तो सेकंड हमारा इसमें इंग्रेडिएंट्स है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल को मैंने भिगो लिया था 2 घंटे के लिए, यह भीग चुकी है। तो अब इसे पीस लेंगे, जिस तरह से हम हलवे के लिए पीसते हैं सेम उसी कंसिस्टेंसी में से पीसना है। तो यहाँ पर देखिए, दाल मैंने पीस ली है एकदम बारीक, उसको पीस लिया है पेस्ट फॉर्म में। तो मैंने वही कढ़ाई यूज़ की है यहाँ पर, जिसमें मैंने घी निकाला था। थोड़ा सा घी मैंने रहने दिया है कढ़ाई में। यहाँ ये 2 से 3-4 चम्मच घी है, बाकी का घी अब इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो इतने से कम घी में ही मैं आज आपको बनाकर दिखाऊँगी एकदम टेस्टी सी मिठाई। तो यहाँ पर दाल को अच्छे से हमें भून लेना है इस तरह से। देखिए, दाल आपकी थोड़ी सी इकट्ठी हो जाएगी, पर उसे हमें इस तरह से अलग अलग करना है और अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो फ्लेम को आप थोड़ा सा लो ही रखें, जिससे कि जले ना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी आपको ये काम करना है, वरना दाल के अगर गुठलियाँ बन जाएंगी तो वो बहुत मुश्किल से टूट क्रश होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जल्दी जल्दी करके इस तरह से इसे क्रश कर लिया है, और भी इसे हमें क्रश करना है अभी, क्योंकि अभी ये थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। अगर आपसे ना हो तो आप इसे ठंडा करके मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, चीनी डाल दी है उसमें। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी ली है, और ये वही मावा है जिससे मैंने घी निकाला था, और घी के बाद ये बचा हुआ मावा दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मलाई यूज़ की है मैंने, थोड़ी सी मलाई, थोड़ा दूध, आधा कटोरी ली है, ये दोनों चीज़ें। अब इसे पीस लेंगे। देखिए, इस तरह से पेस्ट बना लेना है हमें, और जो हमने दाल हमारी भुनकर रेडी हुई है उसमें इसे डाल देना है। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें पकाना है, जब तक कि हमारा ये मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने ना लगे, तब तक इसे पकाएंगे। तो मैंने इसी तरह से मलाई के खोए से बहुत सारी रेसिपीज़ बनाकर डाल रखी हैं चैनल पर, तो उसमें से देखिए, आप जाकर ज़रूर देखें चैनल पर, बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ हैं वो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूड कलर यूज़ किया है इसमें, सुंदर दिखने के लिए इसको। ये वैसे खाने में बहुत टेस्टी है, आप सिंपल वे में भी इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो फूड कलर यूज़ ना करें, इसमें आप केसर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, हमारे बैटर ने अब कढ़ाई छोड़ना चालू कर दिया है। तो देखिए, मैं आपको बॉल बनाकर दिखा रही हूँ, यहाँ पे अच्छे से बॉल बन रही है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तो बर्फी को जमाने के लिए मैंने इस तरह से देखिए ब्रेड कंटेनर लिया है। आप कुछ भी ट्रे या थाली किसी में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बटर पेपर लगाया, बटर पेपर के ऊपर मैंने घी लगाया है और इस बैटर को डाल दिया है ट्रे में और अच्छे से जमा दिया है। अब थोड़ा से इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने बादाम यूज़ किए हैं। तो बादाम को बीच से काट कर 2 हिस्सों में मैंने कर लिया है। आप बादाम, काजू या जो भी आपका मन करे वही ड्राई फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो बीच में भी इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते थे जब हमने बनाई थी ये। अब देखिए, यहाँ पर ये 2 घंटे में एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है और जम चुकी है। तो अब इसे हमें निकाल लेना है, बटर पेपर इसका अलग कर लेंगे। तो केयरफुली हम करेंगे इसे, जिससे कि बीच से टूट ना पाए। वैसे तो इतनी अच्छे से जम चुकी थी कि ये इसे टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं था।
देखिए इतने इजीली बटर पेपर हमारा रिमूव हो चुका है और हमारी बर्फी एकदम क्लियर निकल कर आई है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। आप मन चाहे पीसीस में, मन चाहे शेप्स में या मन चाहे साइज में इसे कट कर सकते हैं। आप इसी तरह से इसके पेड़े, लड्डू कुछ भी बना सकते हैं। तो बहुत सारे मिठाई के आइडियाज़ मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें चैनल पर जाकर। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे मलाई से बचे हुए खोए के डिशेस बनाने के लिए। तो मैंने बहुत सारी रेसिपीज बनाई हैं इससे रिलेटेड, आप ज़रूर जाकर देखें। तो अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इस पर लगा दिया है ग्रेटेड पिस्ता। तो देखिए और भी सुंदर दिखने लगी है हमारी बर्फी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फूड कलर और इस पर लगाया है। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये अट्रैक्टिव दिखे इसी वजह से मैंने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ एक पीस इसका। तो देखिए एकदम इजीली निकल कर आ गया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी ये, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी हमारी बनकर रेडी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग की है। तो आप इसे हफ्ते भर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो घर में बनी हुई मिठाई इतनी जल्दी ख़राब होती भी नहीं है। देखिए मैंने आपको तोड़कर दिखाई है कितनी अच्छे से ये टूट रही है और टेस्ट में तो कुछ पूछे ही मत, बहुत ही अच्छी बनी थी ये, बनते ही ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरह की और रेसिपीज के चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड के शेयर करने बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर बनाएं इस रेसिपी को। और फ्रेंड इन रेसिपीज़ को देखे बिना कहीं ना जाएं, देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करें।